हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों के एक और नई वीडियो में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दूल्हे राजा के घर से। ये है दूल्हे राजा जिसका नाम है रूप। इन्हीं के घर पे हम लोग रुके हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आए। कल जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तो डायरेक्ट इसी के घर पे आए थे। जो सुफियाना बोलती है ना पुलिस नानी, तो ये उन्हीं नानी का घर है। यहाँ पे है ये हमारे दो बॉडीगार्ड है, मेन बॉडीगार्ड। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक ये मेरे साथ दिखेंगे, ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। इसका नाम है महबूब और इसका नाम है महबूब। तो ये जो है सुजाउल, ये रूप के रिश्ते में लगते हैं। तो अभी वक्त हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और आज जो तारीख है वो है 18 फरवरी। आप सभी लोगों को पता है कि मैं शादी की तैयारी, शादी की शॉपिंग कर रहा था और मेन जो शादी का डेट है वो है 20 तारीख को। आज है 18, तो दूल्हे राजा को रेडी करने जा रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब हेयर कट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ महबूब का भी हेयर कट हो जाएगा। ये जो मंडली है, हम लोग जा रहे हैं अभी सैलून में। वहां जाने के बाद आगे का जो सीन है वो आपको पता चलेगा, तो बने रहे, कहीं जाइएगा नहीं। इससे पहले वाले जो फुटेज देखे थे ना सनराइज वाला, काफी मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा ठंडी है। ये मुंबई वाले समझ सकते हैं क्योंकि मुंबई में ऐसी ठंडी कभी देखने नहीं मिलती है। वही है कि सूरज उगने तक का मैं रुक नहीं सकता था, इसलिए मैं जितना हो सका उतना रिकॉर्ड किया। टाटा सुफी। सुफियाना यहाँ आने के बाद बहुत ही, उसका पार्टनर मिल गया, खाला की बेटी है तो उसके साथ में एंजॉय करती है। तो लो जी, आगे हम लोग सैलून में, ये देख सकते हैं वेटिंग चल रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा स्टाइल चाहिए आपको। मैं सिंपल और सिंपल ही कटूंगा। अरे शादी का है, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। सिंपल अच्छा। चलो अच्छा, मतलब मैं रूप को जानता हूँ, ये ज्यादा सिंपल रहता है और सिंपल ही स्टाइल इसको पसंद है। बट आज के दिन तो करना चाहिए ना गाइस, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे स्टाइल देखने मिलेगा आपको। और ये जो दिख रहा है ना, इतना भरा पड़ा है, कितने साल से नहीं काटा बाल। बहुत बड़ा है। और यहाँ पे तो एकदम चकाचक, ये तो मुंबई से बन के आया था बंटन के। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेयर कट अभी चल रहा है, तो अभी टाइम है हमारे पास 10-15 मिनट। तो हम लोग आए हैं जूते की दुकान पे, और जूते की दुकान पे आने का रीजन ये है कि हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो बेचारे का चप्पल चोरी हो गया है ट्रेन में, और वो ऐसा नहीं है कि पुराना चप्पल था, एकदम नया था। और जो चोरी किया है वो एक ही था, बट दो चप्पल लेके गया। मुन्ना का भी चप्पल गायब हुआ और साथ में महबूब का भी चप्पल गायब हुआ। तो हम लोग आए अभी स्लीपर की दुकान पे। स्लीपर में कुछ है साइज? 8 नंबर। ओल्ड फैशन है, नहीं काम चलाने के लिए ठीक है। देखो ये एक चप्पल दिखा रहा है, आजा। ठीक है, कंफर्टेबल चलने में? कितना है इसका रेट? कितना? 170। इसका एमआरपी है या ऐसे? अशोका क्या है, वारंटी है इस पे? इसका लुक कलर कॉम्बिनेशन सब अच्छा है। ऐसा कुछ है आपके पास ग्रिप वाला? ग्रिप वाला नहीं है, जिसमें ज्यादा ग्रिप हो, स्लिप ना करे? नहीं नहीं है, ये स्लिप नहीं हो।
मेरा फेवरेट है। तो अभी हम लोग आए हैं होटल में मिस्टी खाने। तो ये हमारी मिस्टी, इसका नाम क्या है? चाम चाम। तो ये जो मिस्टी दिख रही है ये कबीर की तरफ से है नए चप्पल की खुशी में। तो ये हमारा भी आ गया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये मिस्टी पहली बार हम खा रहे हैं। कैसा है? बहुत अच्छा है। कुछ बोलेगा भी हूँ करेगा। जवाब खतरनाक, टेस्ट नाम ही खतरनाक, चौम चौम। चलो फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली रेडी हो चुका है हमारा दूल्हा। तो चलिए पूछते हैं दूल्हे राजा से, तुमको कैसा लग रहा है? ठीक है, बोलता कम है, बहुत शर्माता है। यहाँ पे एक नया सीन चालू हो गया है। कबीर ने इस दुकान को टेक ओवर कर लिया है। कबीर बन गया है सैलून मैन। हाँ सर जी, कैसा चाहिए आपको? हेलो, सो गए क्या? हेलो, छपरी कट चाहिए। हेलो, छपरी कट चाहिए। छपरी कट चाहिए, मुर्गा कट चाहिए। मुर्गा कट कुकड़ों को क्या करेंगे हम? साइड साइड का काट देंगे और इसको ऐसा रखेंगे। नहीं, एक काम करो सर जी, आप इधर हाईवे बना दो, एक सीधा रोड जाना चाहिए, क्लीन रोड। कैची ने ट्रिमर लिया। तो यहाँ पे मस्ती चल रही है, दूल्हा का हो गया, अब इसकी बारी। अभी वक्त हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, और हम लोग दोपहर में खाना खा के सो गए थे, जल्दी उठे थे इसलिए दोपहर में नींद आ गई, तो इसलिए सो गए। अभी जस्ट उठा और नाश्ता किया। आज के दिन एक छोटा सा रस्म है वो जो पूरा करना है हमें रूप के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस है। ये हल्दी क्या है? ये पिसा हुआ है ना? हाँ, घर पे बनाया हुआ है। अभी इसको पीछे एक रस्म होता है, ये जो शादी के 2 दिन पहले जो लड़का है उसको थोड़ा सा हल्दी लगाते हैं, फिर उसके बदन से वही हल्दी लेके फिर वो हल्दी लड़की के घर पे लेके जाना पड़ता है। वो रस्म में फिर वो लड़की वो हल्दी लगाते हैं। अच्छा, तो ये जो हल्दी लगाते हैं ये मम्मी लगाते हैं? हाँ, मम्मी। तो मैं चाहूंगा कि मम्मी वो रस्म को पूरा करे। यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। ये जो हल्दी अभी लेके जाएंगे वापिस लेके आएंगे, ये लेके जाना है, फिर लड़की लोगों की तरफ से लड़की का छुआ हुआ हल्दी हाँ। वो लाएंगे, फिर इसको कल पूरा। अच्छा, ये सिर्फ नाम का हल्दी है? हाँ। लगाया झूठा किया। हाँ। अब ये हल्दी उन लोग अपने हल्दी में मिक्स करके हाँ, उन लोग अभी आज लगाएंगे? नहीं, कल लगाएंगे। कल लगाएंगे और उनकी हल्दी अभी लाने जा रहे हैं, अभी लेके आएंगे ये लोग इसको लगाने के लिए कल। ये छोटा सा रस्म आपको बताया, अब आगे का प्रोसेस हम लोग बाद में बताएंगे। और 7 बज रहा है, कुछ करते हैं तूफानी, तो जो भी होगा आप बने रहिए, थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। अभी जस्ट सो के उठाना तो आंखें देख सकते हो, और यहाँ पे ना नींद बहुत आती है, ठंडी है, और ये गांव में सुकून है, कोई टेंशन नहीं है साइड का, बस आराम करो, खाओ पियो, एंजॉय। मम्मी थी, माँ थी, वो दही लेके दही बोल रहा हूँ हल्दी लेके चले गए। अब वो वहाँ से रिटर्न आएंगे, उससे पहले जो हमको ये खाली टाइम मिला है ना, उस खाली टाइम में हम लोग ने सोचा क्यों ना ये ठंडी का मौसम है बारबेक्यू किया जाए। तो उसकी तैयारी हो चुकी है, बस अंगार लगाना है, चिकन रेडी है, मसाला लगा के यहाँ पे हम लोग आग लगाएंगे, और ये सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे पलटन जो है, यहाँ पे सुफियाना, फिर उसके बाद में नूशु, महबूब, यहाँ पे रूप, तो ये शाहिद भाई है, और ये छोटा नाजिया, और यहाँ पे सुजाता, क्या सुजाउल, तो ये हमारे सुजाउल भाई बॉडी बिल्डर। तो यहाँ पे मिस्टर कबीर और मैं, लेडीज जो है वो ऊपर नहीं है, क्या पता बनने के टाइम जो खुशबू आएगी उससे शायद उन लोग ऊपर आ जाए। तो शुरुआत करते हैं, जो हम पार्टी कर रहे हैं ना उसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा इंतजाम किया है यहाँ पे। यहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया है, और यहाँ पे डीजे मास्टर। तो इसको जलाते हैं पहले। A few minutes later. तो ये हमारा यहाँ पे आग लग चुका है, तो ये स्टार्टअप है, ये थोड़ा और जलेगा, उसके बाद चिकन रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हो कैसा लग रहा है सब लोग को? मौसम तो बहुत अच्छा है, थोड़ा ठंडा लग रहा था, अभी गर्मी हो गया। देखो वहाँ पे अलग ही स्टोरी चल रही है, और यहाँ पे ये अभी मजा आएगा ना बिड़ू। तो यहाँ पे ये सेटअप रेडी हुआ है, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे सीख, और ये रहा हमारा चिकन।
मसाला रेडी है इसके अंदर। तो ये रेडी हुआ है, तो यहाँ पे ये लग चुका है, बट हमारे पास एक ही सीख है, तो एक सीख में ये तीन पीस आया है। उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। तो भाई ये लाइट देखते तड़कता भड़कता लेके आया मैं, क्योंकि गांव में कभी भी लाइट जाता है। आज दोपहर में लाइट गया था, तो ये लाइट काम आएगा। तो इससे बांस लेके आएंगे, पतला वाला गीला। जाओ सुजाओ, जल्दी जाके जल्दी हो। तो ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है, तो इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा हुआ है। भाई मजाक मजाक में बहुत टेस्टी बन गया, तुम लोग भी ट्राई करो। पहले मुझे खिला दो अपने हाथों से। थोड़ा क्लोज आना इसके, कैसा रहा? शब्द कम है, मतलब हम लोग ने फर्स्ट टाइम किया और एकदम बढ़िया। तो बाकी लोग भी खाते हैं, और ये सेकंड राउंड लग चुका है। ये बार थोड़ा ज्यादा किए, लास्ट टाइम हम लोग ने तीन किए थे, अभी पांच कर दिए। और एक राउंड होएगा उसमें, तो वो भी डालेंगे इस पे। तो अभी ये ठंडा ना हो जाए, इसको खत्म करते हैं। तो एक गुड न्यूज, मुनाफा ऊपर आई है, तो लगे हाथों मुनाफा से भी पूछते हैं, क्योंकि ये जो मेरीनेट किया हुआ है ना, मसाला वगैरह सब मुनाफा ने लगाया है। भाग्यश्री यहाँ है, भाग्यश्री मुन्ना श्री। जेनविन रिव्यू, थोड़ा नजदीक आ उसके फेस पे। रियल वाला तंदूरी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ है कि खा सकते हैं। टेस्टी, हां टेस्टी है, स्पाइसी है। क्यों, मसाला क्या डाला था इसमें? और शायद थोड़ा सा पकाना चाहिए, थोड़ा लिटिल 5 मिनट्स। अभी चलो खत्म करते हैं, मैं भी थोड़ा ले लेता हूं इधर से। मुझे भी और चाहिए, और नहीं है। ओके, लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई चिकन नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, अभी इसको खत्म करते हैं। टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं खाना खाने के लिए। जितना हम लोग बनाए थे, मतलब उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो यहाँ पे सारा ग्रुप है हमारा, तो यहाँ पे सब लोग है, तो सब लोग से एक और एक बार पूछ लेता हूँ कैसा हुआ था चिकन। बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। पर थोड़ा और ज्यादा होता ना तो अच्छा लगता। हाँ, तो ये जो मैं मानता हूँ, अब फर्स्ट टाइम था ना, हमको क्या पता कि हमारे लोग बढ़ेंगे और भी लोग, बच्चे लोग को पसंद आएगा। हम लोग सोचे थे कि हम लोग के ग्रुप के लिए आधा किलो बस हो गया, बस यही सोचे थे कि हम पांच हैं, बट उसमें से फिर और भी एक जन, एक दोस्त आया, फिर तीन बच्चे आए, और बच्चे तो टूट पड़ रहे थे उस पर चिकन पे, इतना अच्छा बना था। क्वांटिटी कम थी, बस फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे और पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे। उसके लिए हम लोग को बहुत सारा लकड़ी चाहिए, उसके लिए तैयारी बहुत करनी है, क्योंकि जो लकड़ी था वो सारा लकड़ी हम लोग का खत्म हो चुका है। तो अभी फ्रेश लकड़ी लाना पड़ेगा, शायद खरीद के लाना पड़ेगा, है ना, मार्केट में जो मिलता है वो खरीद के लाएंगे। अभी खाने खाने बैठे हैं, तो खाना खा लेते हैं। यहाँ पे अंडे का क्या, इसको क्या बोलेंगे, आलू डाल और डीम डाल के बनाया है, और यहाँ सादा राइस। तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं। खाना वगैरह सारा चीज हो गया है, अभी सोने की तैयारी चल रही है। अभी वक्त हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। घर का तो रूम का टेम्परेचर ठीक है, मगर फिर भी हाथ पूरा सुन्न हो गया, और बाहर तो भाई खड़े हो ही नहीं सकते, इतनी ठंडी है। हम लोग इतना थोड़ा बहुत आइडिया था कि ठंडी है, तो इसीलिए हम लोग ने ठंडी का कपड़ा ले लिया। कल से हम लोग कुछ नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ये जो बारबेक्यू किया ना, ये सही बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है और काफी अच्छा गया। ये सारी चीजें ना ठंडी में ज्यादा मजा आता है, दोस्त लोग की गैदरिंग हो या फैमिली वाले हो, तो उससे ना काफी
अच्छा मतलब माहौल बन जाता, तो उस हिसाब से मेरा आइडिया आया क्यों ना आज हम फ्री है तो कर लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होपफुली जितने दिन भी रहे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने और आप लोगों को एंटरटेन करूं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले जितने भी व्लॉग्स होंगे ये सब विलेज वाले होंगे तो काफी मजा आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।